आज मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं लाई हूँ धनिया पत्ता, पुदीना, इन सभी को कैसे हम ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं वो चीज़ आज मैं बता रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आई किचन में स्वागत है। चलिए इसे देख लेते हैं किस तरह से स्टोर करके रखनी है। ये हमने लिया है पुदीना। पुदीना को इस तरह से पहले थोड़ी साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद इसको क्या करना है, इस तरह से पत्ते सभी को इस तरह छोटे छोटे डंठल जो है ना इस तरह से निकाल कर रख लीजिए। ये बीच वाला जो डंठल होता है बहुत हार्ड होती है, उसे निकाल के साइड कर लीजिए। ये देखिए बीच वाला बहुत हार्ड होती है ना, उसे इस तरह से साफ कर लीजिए, उसे साइड कर लीजिए। और सभी इस तरह से छोटे छोटे पत्ते सभी को इस तरह से तोड़ लीजिए। आप चाहे तो ऐसे भी आप उसे रख सकते हैं, लेकिन वो रहने से और ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं, आपके ज़्यादा जगह घेर लेगी, तो इसलिए हम पत्ते को इस तरह से तोड़ लेते हैं। और इसी तरह सभी पत्ते को हम पहले साफ कर लेंगे। ये देखिए हमने पुदीने को सभी को साफ कर लिए। अब ये हमने लिया है धनिया के पत्ते। धनिया के पत्ते को भी इसी तरह से साफ कर लीजिए। इसे पहले इस तरह से थोड़ी हाथ में धार पर यह करके थोड़ी बालू वगैरह जो रहती है ना वो पहले साफ कर लीजिए। उसके बाद जो थोड़ी सी पत्ता पक जाती है, थोड़ी सी गल जाती है, वो पत्ते सारे को साफ कर लीजिए। और उसके जो डंठल रहता है ना उससे भी निकाल के रख लीजिए। जो हार्ड वाला साइड है वो सबको साइड कर दीजिए। बस जो मुलायम कच्चा जो रहता है उसी को इस तरह से साफ कर लीजिए। ये देखिए इसी तरह से इसे भी साफ कर लेनी है। सारे धनिया पत्ते को इस तरह से साफ कर लीजिए। इसी तरह ये देखिए हमने सभी धनिया पत्ते को ये हमने साफ कर लिए हैं। अब ये हमने लिया है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता जो तो होता है इसको भी इस तरह से डंठल को इस तरह से निकाल लीजिए। जो बीच में बड़ी मोटी डंठल होता है ना उसे साइड कर लेनी है। बस पत्ते पत्ते जितना ये होते हैं उस सबको इस तरह से तोड़ लीजिए। ये देखिए इस तरह से। अब इन सभी को अच्छे से धो के साफ कर लीजिएगा। साफ करके इसे रखनी है। और यह मिर्ची, मिर्ची को भी इसी तरह से साफ कर लेनी है। मिर्ची भी कहीं सड़े हुआ रहता है, कुछ ख़राब रहता है, वो सबको साइड कर लीजिए। और अच्छे से धो के साफ करके उसके अंदर जो पानी है सब सूख जाना चाहिए। उसके बाद ये टिश्यू पेपर लीजिए, इस तरह आप एक लीजिए, दो लीजिए, मैं तो एक ही में रख लेती हूँ। और इसे हमने इस तरह से धो के इसके अंदर जो पानी है उसे सुखा लीजिए, नहीं तो फैन के नीचे हवा में सुखा लीजिए, उसका पानी सूख जाए। उसके बाद इसे रखनी है। पानी के साथ ना रखें, पानी पानी अगर रखेंगे गीला रहेगा तो जल्दी ख़राब हो जाएगी, इसीलिए पानी के साथ ना रखें। बिना पानी के पानी को सुखा के और इसे रख लीजिए टिश्यू पेपर में इस तरह से फोल्ड करके। और ये देखिए डिब्बा में भी हम नाम लिख के रख देते हैं, उसमें सेलो टेप लगा देते हैं कि इसमें क्या रखती हूँ बोल के। और इसे इस तरह से रख लीजिए डिब्बे में। और नहीं तो आपके पास अगर पैकिंग पेपर होता है ना प्लास्टिक जो होता है उसमें भी आप रख सकते हैं। मैं इसी तरह डिब्बा में रखती हूँ। धनिया को हमने पैक कर लिया। इसी तरह इसे हमने लिया है और एक टिश्यू पेपर, इसमें कड़ी पत्ता, इसे भी इस तरह से रख लीजिए। और इसे देखिए इस तरह से डिब्बा जो होता है ना टिफिन वाला डिब्बा, इसमें इस तरह से हम भर के रख लेते हैं। और जब भी आप इन सभी को रखेंगे तो आप अगर धो के आपको अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो आप कपड़े किसी टॉवल में पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद थोड़ी सी फैन हवा लगा दीजिए, फिर रखिए, ऐसे भी रह जाती है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। और टाइम है तो थोड़ी सी पानी को सूखने दीजिए, उसके बाद रखिए। यह हमने पुदीना को भी इसी तरह से फोल्ड कर लिया। जो मिठाई का डब्बा होता है ना लाते हैं उसी में भी रख लेती हूँ। अदरक को इसी तरह से धो के साफ कर लेते हैं। अदरक, नींबू को भी इस तरह से रख लेती हूँ। आप चाहे तो इसे भी टिश्यू पेपर में रखती हूँ। इसे मैं ज़्यादा टिश्यू पेपर में रखने की ज़रूरत नहीं, ऐसे रखने से भी ये रह जाती है। आइए हम मैंने लिए हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी इसी तरह से टिश्यू पेपर में इसे भी रख लीजिए। जब भी हम मार्केट जाते हैं तो ज़्यादा इस तरह से लेके आते हैं, तो मैं इसी तरह से स्टोर करके रखती हूँ। इसे इस तरह से आप इसे रख लीजिए। इसे भी तो दो तीन ये ज़्यादा मिर्च है ना, तो इसलिए इस तरह से इसे दो बार इसे टिश्यू पेपर में फोल्ड करके इसे रख लेती हूँ। आप चाहे तो इस तरह से बिछा के इन सभी को इसी तरह से भी पहले पेपर टिश्यू पेपर को बिछाइए फिर रखिए, इसी तरह से भी आप रख सकते हैं। ये टिफिन का बक्स है, इसी में इस तरह से भर के रख देती हूँ।
और सभी को इस तरह से पैक कर लीजिए। अब पैक करके इसे आप फ्रिज में रख दीजिए। आप इसे 2-3 हफ्ते तक आप इसे रख के यूज कर सकते हैं। हरा भरा ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, मैं यूज करती हूँ। और ये देखिए, दिखाती हूँ, इसी तरह से मैं रख देती हूँ। रखने के बाद आप देख सकते हैं, इसी तरह से आप रखिए, एक बार ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे से रह जाती है। इस तरह से रखिए आप, ज़्यादा दिन तक इसे हरा भरा आप इसी तरह से यूज कर सकते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल का आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फिर हम मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।